धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया बदमाश इलाके में वारदात करने की फिराक में घूम रहा था, जिन्हें मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाश के कब्जे में एक अवैध कट्टा, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। कंचनपुर थाना प्रभारी प्रशिक्षु RPS अंगद शर्मा ने मामले की जानकारी दी है। नवभारत समाचार धौलपुर से राकेश गोस्वामी की रिपोर्ट। क्या मामला है? जिला पुलिस अधीक्षक महोदय की तहत और से चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर से सूचना मिली कि दूर्वास बालाजी की तरफ एक व्यक्ति हथियार लेके किसी वारदात को अंजाम देने की साजिश में घूम रहा है। पुलिस थाना स्तर पर एक टीम गठित की गई और उसका दूर्वास बालाजी पहुंचा गया, वहां पे दबिश दी। उसके बाद जो अपराधी था वो पीछे दूर्वास बालाजी के जंगलों में भाग गया। वहाँ पे दबिश देके कड़ी मशक्के के बाद में उसको पकड़ा, उसे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पंजाब सिंह, पुत्र झमोली, उम्र 33 साल, जाति गुर्जर, निवासी खनपुरा, बाड़ी सदर का होना बताया। उसके पास से हमें एक देसी अवैध कट्टा, वे एक जिंदा 315 बोर का, वे एक जिंदा कारतूस मिला। उसे और पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने पर हमें पता लगा कि धौलपुर जिले के कई थानों में वो वांछित है और उसकी जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से उसके ऊपर 5,000 रुपये का इनाम घोषित है और आगे तफ्तीश जारी है।